तो ये भी एक सेकेंड केस स्टडी है। ये आसूस का एक प्राइम A320MK, देख सकते हो रिविजन इसका 1.02। तो इसमें एक अनोखा प्रॉब्लम है, तो सोचा शेयर कर दें प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि इस बोर्ड में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जब घुस रहे हो, मतलब HDD में जब आप OS में घुस रहे हो इंस्टॉल करने के बाद, तो कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, इसका जो लैन पोर्ट है, ये लैन मतलब करीब 30 मिनट्स बोर्ड चलने के बाद, 30 मिनट्स बोर्ड चलने के बाद इसका जो लैन है ये डिसकनेक्ट हो रहा है, मतलब प्लग इन हो रहा है और प्लग आउट हो रहा है बार बार। और उस वो जब हो रहा है उसके साथ साथ ये वाला जो 2.0 USB का होता है, ये 3.0 है, USB 3.0, यहाँ पर नीचे जो है दो, ये भी 3.0, क्योंकि देख सकते हो ब्लू कलर में जो हमारा आता है USB मदरबोर्ड के पीछे वो 3.0 होता है, 3.1, 3.2 ऐसा ऐसा करके होता है, और ब्लैक में जो हमारा आता है वो USB 2.0 होता है। तो ये जो दो 2.0 है, ये जब लैन जब प्लाग इन प्लाग आउट हो रहा है उसके साथ साथ ये USB का टोटली कनेक्शन छूट रहा है आफ्टर 30 मिनट्स, बोर्ड चलने के आफ्टर 30 मिनट्स बाद, ठीक है। तो तब यहाँ पर अगर आप USB कीबोर्ड इंसर्ट कर रहे हो तो कीबोर्ड में जो नाम लॉक का LED है वो ग्लो नहीं हो रहा है, मतलब ऑफ ऑन नहीं हो रहा है, मतलब जल ही नहीं रहा है LED। और जब आप फर्स्ट टाइम चला रहे हो तो यहाँ पर LED आपको मिलेगा USB कीबोर्ड में, सारा बोर्ड में मिलेगा और लैन भी सही से काम करेगा, पर 30 मिनट से लेके 35 मिनट्स तक या फिर 20 मिनट, कभी कभार 20 मिनट चलने के बाद ये जो USB 2.0 है दो, ये काम नहीं कर रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर लैन पोर्ट में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो मतलब प्लाग इन प्लाग आउट हो रहा है। पर मैंने जब बोर्ड रिसीव हुआ तो ध्यान से देखा, क्योंकि कभी कभार ये जो हमारा पोर्ट होता है इसके अंदर जो पाथ है कॉपर का, ये पाथ में अगर रस्ट वस्ट वगैरह है कुछ, या फिर अंदर में कुछ कीड़े मकोड़े जा चुका है, चींटी वीटी वगैरह या फिर मच्छर वगैरह घुस के मर गया है, तो ऐसा होता है। तो मैंने क्लियरली देखा इसके अंदर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखो आप एकदम क्लीन है। तो जब मैंने यहाँ पर क्लीन देखा और USB दोनों जा रहा है, तो मैंने कुछ सोचा है इस बोर्ड में क्या करेंगे। तो अभी देखो आधा घंटा तो इसको चला के सॉल्व हम नहीं करने वाले हैं, तो जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर बेस करके हम काम करेंगे। और आप भी देख लो, अगर आपके पास ऐसा कभी भी ये सीरीज़ में आ जाए या फिर कोई और सीरीज़ में आ जाए जिसका मतलब कुछ टाइम बाद बोर्ड जब फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है तो सब ठीक है, पर कुछ टाइम बाद 2 USB या फिर 4 USB मतलब यहाँ का USB या फिर यहाँ का USB काम नहीं कर रहा है कुछ टाइम चलने के बाद, और लैन पोर्ट में भी प्लाग इन प्लाग आउट हो रहा है आपका लैन बार बार, तो इसका सलूशन क्या है वो मैं बताते जा रहा हूँ। शॉर्ट सलूशन, शॉर्ट एक चीज़ बताता हूँ जो सबको पता होता है, ज़्यादातर लोग जानते हो ये प्रॉब्लम जो काम करते हो, पर जो बिगिनर्स हो वो देख लो काम आएगा उनके लिए। तो अभी एक बार बोर्ड को हम चला के दिखा देते हैं कि अभी ठीक है कि नहीं, और तो इसमें भी कोई डिबग कार्ड काम नहीं करेगा इस बोर्ड में भी, तो चाहे आप, हाँ एक डिबग कार्ड काम करेगा पर उसका प्राइस अभी 8,000 रुपीज़ है, ठीक है। वो ऑल बोर्ड में काम करता है, वो बहुत बढ़िया सा एक ये इतना बड़ा सा एक है, इतना बड़ा सा मतलब इतना बड़ा सा है, और वो डिबग कार्ड अभी मिल नहीं रहा है, पर किसी एक सेलर के पास मुझे मिला था, पर कुरियर नहीं करेगा वो, ठीक है। तो वो अगर मिलता तो वो भी एक मैं ले लेता तो आसान हो जाता। तो इसमें TL631 जो अभी लेटेस्ट का है वो भी मेरे पास है, वो भी काम नहीं करता, ठीक है। तो अभी देखो मैं बोर्ड को दिखा रहा हूँ, BGA पे हम नहीं जाएंगे, मतलब मॉनिटर पे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में तो डिस्प्ले का कोई इशू नहीं है कि मॉनिटर में देखे। तो ये देखो, तो देखो ये सेम वही बीच में सेंटर में LED जल रहा है, यहाँ पर एक LED ब्लिंक होने के बाद मतलब VRM सेक्शन काम कर रहा है, तो बोर्ड में डिस्प्ले आएगा। तो इसको जानने का और एक बेहतर तरीका है कि एक बजर लगा दो और फिर से एक बार ऑफ करो बोर्ड और फिर से एक बार ऑन करो बजर के साथ, तो पता चल जाएगा कि बोर्ड में डिस्प्ले है कि नहीं। ये टिकर दिया, अब फॉलो करो, ये देखो बीप दिया, मतलब बोर्ड में डिस्प्ले है। तो अभी कीबोर्ड पे आ जाते हैं, तो ये है हमारा कीबोर्ड, नहीं दिखेगा एक सेकेंड, इसे प्लग इन कर लेता हूँ।
और प्लग इन तो बार बार करना है मुझे, तो यहीं पे रखता हूँ, फैन पे ना लग जाए। एक सेकेंड, इसको कहाँ रखूँ, फ़ोन उठा देता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, तो कीबोर्ड पे फॉलो करो और दोनों तरफ ही दिखाना पड़ेगा। तो अभी देखो, पहले ये देख लो, ये जो है हमारा, ये जो पोर्ट के नीचे है, ये भी दो 3 USB 3.0 है। तो ये मैंने देखो इंसर्ट कर दिया और कीबोर्ड में देखो, ये देखो काम कर रहा है। उसके बाद हम चले जाएंगे ये USB 2.0 में, तो 2.0 में लगा दिया, तो अभी देखो ये भी काम कर रहा है। ठीक है, ओके। और लास्ट में जो है एंड में, ये भी 3.0 है, तो इसे भी लगा के देखते हैं एक बार, तो ये भी काम कर रहा है, मतलब अभी प्रॉपर सारा काम कर रहा है। और जब आधा घंटा बोर्ड चल रहा है उसके बाद जाके ये जो मतलब 2.0 है USB, ये बीच वाला, वो काम नहीं कर रहा है और इसका लैंड पोर्ट में भी प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। तो अभी देखो, अभी तो काम कर रहा है फिलहाल बिंदास, तो अभी तो ये काम कर रहा है, पर 30 मिनट ऐसे नहीं चला के पता चलेगा, OS के साथ चलाने से पता चलेगा। तो देखो इसका जो सलूशन है वो मैं बता के जा रहा हूँ, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो एक बार, आपको काम बन जाएगा अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो। तो पहले तो दो चीज़ आपको, एक चीज़ फॉलो, दो चीज़ फॉलो करना है। अगर आधा घंटा बाद बोर्ड चलने के आधा घंटा बाद अगर ऐसा यूज में हो रहा है या फिर लैन प्लग इन प्लग आउट हो रहा है, तो उसके साथ ये जो प्रॉब्लम है ये दो वजह से हो सकता है आपका बोर्ड में। पहली वजह ये है, ये जो आपका ब्रिज है बोर्ड में, ये अगर बहुत ज़्यादा ओवर हीट होता है, सॉरी कैमरा कहाँ चला गया, ये जो ब्रिज है ये अगर आपका बोर्ड में ओवर हीट हो जा रहा है, मतलब बहुत जितना नॉर्मल इसका हीटिंग है, मतलब AMD सीरीज़ का बोर्ड में ये जो ब्रिज है ये नॉर्मल इंटेल के सीरीज़ में जो ब्रिज हीट होता है उससे 3-4 गुना ज़्यादा हीट होगा, पर वो आपको पता चलेगा अगर आप उंगली पे टच करोगे तो पता चलेगा हीट, मगर इसमें जो हीटिंग है वो ज़्यादा रहेगा, पर उतना ज़्यादा नहीं कि आप ऐसे उंगली थोड़ा सा भी टच ना कर पाओ कि ये उंगली जल जाए, ब्रान हो जाए आपका उंगली। तो ऐसा अगर ज़्यादा ओवर हीटिंग है तो आपका मैं अभी जो सलूशन दे रहा हूँ वो काम नहीं आएगा। और अगर आपका ब्रिज ठीक है, कुछ प्रोटेक्शन शॉर्ट होने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो अभी देखो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस बोर्ड पे डायरेक्टली काम कर देंगे और वीडियो तो बना रहे हैं, वीडियो बनाने देते हैं। और ये वीडियो अपलोड करूँगा तब जाके जब ये डिलीवरी हो जाएगा बोर्ड सक्सेसफुली, और कस्टमर को तो दिन मतलब 30 मिनट्स बाद ही हो रहा था प्रॉब्लम बोर्ड चलाने के साथ साथ। तो कस्टमर ने एक दिन अगर वेरीफाई कर दिया ओके है तो देन हम वीडियो को अपलोड करेंगे। तो वीडियो अगर मिल जाए तो समझ लेना कि जो हमने सलूशन दिया है वो प्रॉपर सलूशन है। तो देखो USB अगर कई भी सीरीज में अगर USB ये वाला या फिर ये वाला काम नहीं कर रहा है, तो हम जानते हैं कि इसमें पीछे एक प्रोटेक्शन होता है जो 6 लेग का होता है, वो एक डायोड है, तो वो प्रोटेक्शन कभी कभार शॉर्ट होने की वजह से हमारा ये USB काम नहीं करता है। तो पर्टिकुलर हम प्रॉब्लम जो हमारा सामने है, पर्टिकुलर ये USB का जो प्रोटेक्शन है ये वाला दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, ये देखो वो जो पीछे अभी मैं दिखाता है, ये जो 6 लेग का प्रोटेक्शन है, ये USB 2.0, ये 3.1 या फिर 3.0 हो सकता है, ये भी 3.0, इसके नीचे लैंड पोर्ट के नीचे जो दो है वो भी 3.1 या फिर 0 या फिर 2 हो सकता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये मेरे ख्याल से ये शॉर्ट है या फिर कुछ टाइम चलने के बाद ये शॉर्ट हो रहा है, जिसके वजह से ये दो USB काम नहीं कर रहा है। और ये शॉर्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका लैंड पोर्ट में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम अभी क्या करेंगे, ये जो प्रोटेक्शन है और ये जो प्रोटेक्शन है, बस ये दोनों प्रोटेक्शन को हम रिमूव करेंगे, बाकी इसके अंदर, इसके पीछे भी एक है, इसके पीछे भी एक है, इसके पीछे भी एक है, तो ये सारा को छोड़ देंगे। बाकी USB के फ्रंट पैनल USB के सामने भी रहता है, देख सकते हो ये एक, ये एक, तो सारा छोड़ देंगे, सिर्फ दो प्रोटेक्शन को हम अभी रिमूव कर देंगे और उसी से जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। और वीडियो मिल जाए तो समझ जाना सॉल्व आउट हो चुका है। ठीक है, तो अभी देखो
सिंपली हम जो है ये दो प्रोडक्शन को मैं अभी रिमूव कर दूंगा और बोट को ऐसे डिलीवरी कर दूंगा, और वीडियो को एक बार बोट को लास्ट फाइनल चला के वीडियो को भी एंड कर दूंगा और वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर सक्सेसफुल ये कस्टमर ने मतलब बोल दिया कि हाँ ठीक है तो वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, और नहीं होता है तो वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि तो समझ जाओ कि बिजली रिलेटेड इशू है, वीडियो अपलोड करके कोई फ़ायदा नहीं है। इम्पोर्टेंट जब काम होता है तब ये चीज़ नहीं मिलता है। तो हम दो प्रोडक्शन रिमूव करेंगे, एक इसके पीछे और एक USB 2.0 के पीछे, जो लैन पोर्ट के साथ कनेक्टेड है USB 3 उसके पीछे जो प्रोडक्शन है 6 लेग का वो रिमूव करेंगे, और USB 2.0 के पीछे जो 6 लेग का प्रोडक्शन है वो एक मैंने पहले कहा डायोड है तो ये डायोड को हम हटा देंगे। तो इसको इधर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये दो प्रोडक्शन को हम अभी रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये देखो ये एक प्रोडक्शन रिमूव कर दिया, इसको यहाँ रख देता हूँ, और ये एक प्रोडक्शन जो है जो USB 3.2.0 के पीछे है ये दो, ये दो प्रोडक्शन मैंने बस रिमूव कर दिया। इतना सा ही काम करना है आपको, ज्यादा ओवर एक्सपर्ट नहीं बनना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ब्रिज हीट हो रहा है तो आप छोड़, एक बार करके देखो, ऑब्जर्व में रखो 1 घंटा, देखो क्या होता है, फिर सुबह जाके देखो रात को अगर काम कर रहे हो, अगर ठीक है तो डिलीवरी कर दो, प्रॉब्लम नहीं करेगा। 30 मिनट्स चलाओ, कस्टमर जितना रिक्वायर दे रहा है उतना रिक्वायर आप चला के देखो उतना टाइम मेंटेन करके, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आप इधर उधर हीट मत किया करो इसके चक्कर में, तो काम नहीं बनेगा। और सारा प्रोडक्शन रिमूव भी मत किया करो, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ पर है वहीं पर ही काम करो। तो ये सफाई कर दो थोड़ा सा, यहाँ पर क्लीन भी करना चाहिए अच्छे से। तो अभी एक बार पास से देख लो क्या कौन कौन सा कंपोनेंट रिमूव हुआ है। यहाँ का एक और यहाँ का एक, ठीक है, और वो दो कंपोनेंट कहाँ है, यहाँ पर है, पहला वाला ये है, सेकंड वाला ये है, ठीक है। और ये दिखने में कैसा है, 6 लेग का है, बिल्कुल इसी तरह इसी तरह, ठीक है, सबको पता होता है ये। तो बोर्ड में तो डिस्प्ले था, अभी नॉर्मली एक बार चला के देखते हैं यूएसबी में कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। कभी कभार होता है प्रोटेक्शन हटाने से यूएसबी काम भी नहीं करता है, तो ऐसा अगर हुआ तो हमको क्या करना है, वो किसी दूसरे बोर्ड से हमको रिप्लेस करके लगाना है, ठीक है, इसलिए एक बार बोर्ड को चला रहा हूँ, अगर ठीक से चले तो वीडियो एंड कर दूंगा। और यूएसबी हमारा किधर है, ये 2.0 पे ही इंसर्ट करके रखता हूँ मैं, 2.0 पे इंसर्ट कर दिया और बोर्ड को ट्रिगर दे रहा हूँ। डिस्प्ले तो पहले ही था तो नहीं, यूएसबी में अब कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, रिमूव करने से ठीक ठाक चल रहा है। तो ऐसे ही बोर्ड को हम डिलीवरी करेंगे
और अगर आधा घंटा एक घंटा चलने के बाद जो प्रॉब्लम फेसिंग हो रहा था वो सॉल्व हो गया, तो वीडियो मिल जाएगा। तो देखो ये छोटा सा एक केस स्टडी था जो बिगिनर्स के लिए काम आएगा, तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ, कर दिया। तो जिनको पता होता है उनको तो पता है, वो वीडियो थोड़ा सा देख के स्किप कर देगा, वो मैटर नहीं मेरे पास। तो जिनको पता नहीं है वो तो देखेगा ना। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। तो लव यू ऑल, जय हिंद।